वेलकम टू मनीषा किचन। आज हम बनाएंगे सनफ्लावर पराठा। इसमें ये बहुत ही न्यूट्रिशियस पराठा है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब वेजिटेबल्स डालते हैं और बच्चों के लिए सभी बच्चे बहुत लाइक करते हैं इसको। और इसकी पूरी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करिएगा। सनफ्लावर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आटा, जो कि मैंने थोड़ा सॉफ्ट इसको गूंदा है, और इसमें खाली थोड़ा सा सॉल्ट और एक टीस्पून ऑयल डाला है। ये बारीक कटे हुए हरे प्याज है, ये बेबी कॉर्न है, ये हरी मिर्च है, घसा हुआ गाजर, पत्ता गोभी, बीन्स, फूल गोभी, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती, और ये है चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और चाट मसाला। और चीज़ चाहिए हमारे को सेजवान सॉस, और सेकने के लिए ऑयल। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे गाजर, हरी मिर्च, बेबी कॉर्न, फूल गोभी, पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती और हरा प्याज। और इसमें फिर हम डालेंगे ये चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, चाट मसाला। और इसमें 1 टीस्पून सेजवान सॉस और थोड़ा सा चीज़ इसमें ग्रेट कर लेंगे, और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से इसमें सब कुछ मिक्स हो गया है, इसको हम साइड में रखेंगे। और ये आटा है, इतना आटा लेंगे और इसको रूखा आटा लगा के थोड़ा सा रोल करेंगे इसको स्टफिंग फिल करने के लिए। इसमें स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इतना सा ये मसाले में मेरे 2 पराठे बनेंगे। इसको ऐसे करके सील कर देंगे। आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए तभी अच्छे से होगा। फिर हल्का सा प्रेस करके ये ऐसे सूखा आटा इसमें लगाएंगे और पहले हल्के हल्के हाथ से इसको थोड़ा फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं डालना है। ऐसे फैला लेंगे, ये पूरा राउंड हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ मैंने एक तवा गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें इसको सेकेंगे। थोड़ा सा तवे पे थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसको सेकेंगे अच्छे से, पलट पलट के एकदम अच्छे से इसको सेक लेंगे। इसमें थोड़ा ऑयल हम ऊपर भी डाल देंगे। बाकी एकदम क्रिस्प हो जाएगा। थोड़ा सीखने देंगे अच्छे से। एकदम पलटेंगे, इसे पलट पलट के हल्के हाथ से दबा दबा के थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। एकदम क्रिस्प होने तक इसको सेक लेंगे। पराठा सीख के एकदम रेडी है, इसको प्लेट पे निकाल लेंगे और ये पिज़्ज़ा कटर से इसको अब हम कट करेंगे। एकदम क्रिस्प है ये। और इसको अब हम सनफ्लावर के जैसे ऐसे खोल लेंगे। पूरा सनफ्लावर की तरह अपने खोल लेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा पापड़ सेक के चूरा करके मैंने डाल दिया बीच में, और अब इसमें चीज़ ग्रेट करेंगे अच्छे से। चीज़ पनीर आप जो भी अपने चॉइस के हिसाब से ग्रेट कर सकते हैं, पर चीज़ इसमें अच्छा लगता है।
और अब इसमें अच्छे से शेजवान सॉस डाल देंगे। ये हमारा सनफ्लावर पराठा बनके रेडी है। एक पूरा मील हो जाता है, उसमें इतनी सारी सब्जी है, पनीर है, चीज़ है, फुल प्रोटीन, फुल न्यूट्रिशियस पराठा है। ये पराठा आप दही या कोई भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।